देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। समाजवादी पार्टी में फूलन सेना का हुआ संयुक्त सम्मेलन। जनपद मऊ से राष्ट्रीय फूलन सेना के अध्यक्ष गोपाल निषाद ने समाजवादी पार्टी को अपना पूरा समर्थन सौंपा है। 2022 की चुनाव को देखते हुए जहां ओम प्रकाश राजभर तमाम पिछड़े समाज के वोटों को संगठित करने का काम कर रहे हैं, वहीं दलित वंचितों की राजनीति करने वाले गोपाल निषाद की पार्टी फूलन सेना का समर्थन का ऐलान मऊ जनपद से किया गया। इस बीच प्रेस वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के पिछड़े समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने मंच से विवादित बयान देते हुए कहा कि जिसकी पत्नी ना हो वह क्या जाने परिवार का महत्व। वहीं फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर काम देने की बात कर रही है, जो समाज में संविधान के खिलाफ है। जाति नहीं, योग्यता के आधार पर काम देना होगा। वहीं गोपाल निषाद का जुमान फिसला और फूलन देवी की प्रतिमा ना लगाने का ठीकरा बीजेपी की जगह समाजवादी पर फोड़ डाला। हालांकि बाद में सुधार करते हुए कहा कि दिन भर की थकान की वजह से जुबान फिसल। बैनरों पे था समर्पित फूलन सेना, तो समर्पण कर दिया। समर्पण का भाव है। अच्छा, हम अखिलेश जी से प्रभावित हैं, उनके कार्यों से प्रभावित हैं। ये हम मानते हैं कि कम से कम उसके अंदर सामंतवाद का भू नहीं है, तो सामंतवाद के खिलाफ हम लोग अखिलेश जी के साथ हैं। हम उनके प्रति अपना समर्पण करते हैं। ठीक।